नहीं नहीं सब कुछ आप सबकी इज्जत हम लोग के पार्टी का वो सब बात नहीं, बात हम आपको बता देते हैं कुछ क्या छपा हुआ था। अरे कोई आदमी को किसी को शौक हो जाता तो कहीं छपवा दिया, तो जो छपवाया तो उसको ठीक से पता भी नहीं होगा, ऐसा हम लोग कहने। सब लोग एकजुट हैं, आप जानते ही हैं, आपको पता है ना भाई कि हम तो लास्ट ईयर दिसंबर में हमने अपनी तरफ से ना जो हम लोगों का राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी तो उसमें हम लोगों ने हमने ही कह दिया, किसी को पता भी नहीं था, हमने ही कहा कि भाई अब जरा आरसीपी सिंह को ये जिम्मेवारी हम देना चाहते हैं, तो सब लोग आगे ठीक है वो काम करने लगे। जब मंत्री बन गए तो उन्होंने कहा कि भाई अब जरा बन जाए ललन जी तो ज़्यादा अच्छा है। मीटिंग थी नेशनल एग्जीक्यूटिव की, उसमें हो गया, अब नेशनल काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, तो वो सब तो ठीक ही है। तो हम लोगों के पार्टी में ये सब बातें सब में एकजुटता है, कहीं कोई ये मत समझिए कि कोई कोई ग्रुप है इधर है उधर, कुछ बात नहीं, हम लोग के पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। और सीनियर व्यक्ति हैं और जब समता पार्टी बनी उस समय से ही है, उसके पहले भी थे, तो सब लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है अगले वर्ष और भी कई राज्यों में होने वाला है, तो क्या आपकी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी? और एक बात, हमारी पार्टी का जो विंग्स है सब जगह, अभी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी पार्टी की, तो उसमें भी सब लोगों ने आकर के अपनी इच्छा प्रकट की है, तो ये तो नेशनल एग्जीक्यूटिव का काम है और प्रेसिडेंट और दूसरे सभी लोग लगे हुए इसके बारे में कि हम लोगों को क्या लगना है, अलायंस से हो जाए या नहीं होता है तो अलग से लड़ें, तो इन सब चीज़ों पर वही लोग विचार कर रहे हैं। तो सब जगह तो होता ही है, आप जानते हैं पार्टी में अभी रिकॉग्निशन तो दो जगह है लेकिन उससे मतलब नहीं, लोग हैं सब जगह, तो लड़ना चाहते हैं तो कैसे उसमें तो उसको। अरे 200 सीट पर लड़े ये सब सब बात हुई है और हम तो बैठे हुए थे, हम नेशनल एग्जीक्यूटिव से बात हुआ तो सब कह रहे थे चर्चा, तो हमने इन लोगों को जिम्मेदारी दी कि आप लोग बैठ कर उसके बारे में निर्णय लीजिए और सभी चीजों के बारे में। और पड़ोसी राज्य झारखंड में जब चुनाव हुआ था आप चुनाव प्रचार करने नहीं गए, हालांकि आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था झारखंड, तो यूपी में चुनाव प्रचार में जाएंगे? अभी तो इसके बाद एक एक चीज होगा तो सब एक एक चीज आप लोगों के सामने आएगा, इतना एडवांस का है। पटना का एक लड़का यहाँ से